एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिताली ब्यूटी एंड ब्लॉगिंग। सो फ्रेंड, दुर्गा पूजा आ गया है और दुर्गा पूजा में मतलब सब लोग घूमेंगे फिरेंगे, मेकअप करेंगे, हेयर स्टाइल बनाएंगे और कुछ मेरा भी यही हाल है, तो इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। मतलब ये ब्लॉग तो दुर्गा पूजा से पहले क्या क्या तैयारी कर रहे हैं हम, कैसे कैसे मतलब सब कुछ मैनेज करें, यही सब दिखाऊँगी। बट उससे पहले जैसे हमारे शरीर के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, वैसे ही हमारे बालों के लिए भी प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अभी बाल खुले ही रखे, अभी कंघी वंगी भी नहीं किया, फेस नहाई भी नहीं हूँ मैं। तो नहाने से पहले मैंने सोचा वीडियो ये मैं लगा रही हूँ जो मैं अपने बालों में यूज़ करती हूँ, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि मैं अपने बालों को प्रोटीन कैसे देती हूँ। तो बहुत ईजी है, मैं ये लगाती हूँ हिमालय का प्रोटीन हेयर क्रीम है, ये खास बालों के लिए है ये, और ये हिमालय प्रोडक्ट्स है, मतलब कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो ये मैं शैम्पू करने से पहले अपने बालों में लगाती हूँ, बालों में लगा के आपको जैसे आप बालों में तेल लगाते हो तो वैसे ही लगा के बस मसाज करना है। आधा घंटे एक घंटे बाद शैम्पू कर लो, उसके बाद अगर आपको कंडीशनर लगाना है तो लगा लो, वरना नहीं लगा लो। मैं कंडीशनर नहीं लगाती हूँ, मैं बस शैम्पू ही करती हूँ। तो ये मैं यूज़ करूँगी और ये मैं दिखाऊँगी कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ। तो जितना आपको लेना है उतना आप एक कटोरे वगैरह में निकाल के रख लो या फिर उंगली से ही लगा लो, और प्लेस कंजूसर की तरफ मत लगाना, थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा लेके ही लगाना, क्योंकि मेरे तो लॉन्ग हेयर है तो ये मेरा एक डब्बा जो है दो तीन बार में ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है ये मुझे पड़ा था, मुझे अभी याद नहीं है, ये मुझे 80 रुपये का पड़ा था, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। भर भर के जितना हो सके लगाओ अपने बालों में, अपने बालों की ग्रोथ के हिसाब से लगाओ, और फिर सर में मसाज करो। मसाज करने के बाद तो मैं अभी अच्छे से नहीं लगा रही हूँ, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लगा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे नहाना भी है, थोड़ा पार्लर जाके आईब्रो वगैरह भी करना है, अंश का बाल भी कटवाना है, तो अंश का बाल उसके पापा कटवाने ले जाएंगे। तो वहाँ पे मैंने उनको बोला है, मैं जा नहीं सकती, जेंट्स सैलून है, तो मैंने बोला जब अंश के बाल कटाओ तो उस टाइम थोड़ा सा एक ब्लॉग बना लेना, ताकि सब लोगों को मैं दिखाऊँ कि अंश बाल काटते टाइम रो रहा था या फिर अच्छे से कटवा रहा था, कैसे नखरे कर रहा था, तो फिर वो भी मैं ब्लॉग में दिखाऊँगी। तो कौन क्या कर रहा है पूजा में, क्या क्या किसने शॉपिंग किया, कहाँ घूमने जा रहे हो मुझे बताना, अगर मेरे कॉन्टेक्ट में हो तो दुर्गा पूजा में ज़रूर मिलेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी लगा के दिखा रही हूँ, वैसे तो एक एक लेयर लेके बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इतना टाइम नहीं है, तो अभी मैं पूरा लगा लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड, यहाँ पे मैंने हेयर क्रीम जो है लगा लिया है अच्छे से, तो इसको मैं आधे घंटे बाद ही धो दूँगी, क्योंकि मेरे को बहुत सारा काम है और इतना टाइम नहीं है बहुत देर तक, क्योंकि अगर आपके पास फ्री टाइम है तो एक घंटा लगा के दो घंटा लगा के रख सकते हो, उसके बाद हेयर वॉश कर सकते हो। और अभी मैं आपको अपने बाहर का एरिया का नज़ारा दिखाती हूँ, कितना गंदा हो रहा है यार, मतलब पूजा वूजा आ रही है तो घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, तो घर तो मैंने साफ़ सुथरा जितना मुझसे हो सका मैंने कर लिया सफाई घर की, बट घर के बाहर की जो हालत है वो मैं आपसे क्या बताऊँ। और चलो देख ही लो आप भी कि क्या हाल है बाहर का क्या हाल है। दुर्गा पूजा आ रहा है, थोड़ा साफ़ सफाई रखना है घर में, और घर के अंदर तो सफाई है बट बाहर ये सब हो रहा है, काम चल रहा है। ये जो दीवारें वगैरह है ये सारा उखड़ रहा था, तो उन्होंने हथौड़ा मार मार के और भी सारा तोड़ दिया, और ये जो सीमेंट वालों घोल के ऊपर ले जाके ये सब काम वगैरह कर रहा है। देखो कितना ज़्यादा ये इसमें सीला ना के और पानी टपकता था और फिर ये सारा टूट टूट के थोड़ा थोड़ा गिरता था, तो अभी इसको पूरा ही तोड़ दिया है, तो ये सब काम चल रहा है। पहले तो ऊपर के फ्लोर ठीक करते करते फिर नीचे आएंगे, उसके बाद पेंट वगैरह करेंगे, मतलब दीपावली से पहले पूरा बिल्डिंग जो है हमारा पेंट हो जाएगा, और उसके बाद जो है देखने में भी अच्छा लगेगा। पकड़ लीजिए ना, उसको छोड़ पकड़ा हुआ मैंने, ये पकड़ी ना इसे सर। हाँ सर, पकड़ना पड़ेगा ना, दबा फिर बना, अभी बच्चा है, मान लीजिए अभी थोड़ा चुपचाप है, हो सकता है कि दो मिनट में यह हो जाए, रोने लगेगा तो फिर बाल भी नहीं कटेगा, जो हिसाब से बाल कटवा रहा है वो हिसाब से तो सही है, बच्चे को कोई भरोसा नहीं है भाई, कहने कहा करेगा।
बाल पतला है ना, एक अगर जो एक दो बार छिला जाएगा ना इसका बाल, लड़का है आज नहीं तो कल लड़की छोड़ी। फ्रेंड मैंने अपने हेयर वॉश कर लिया और मैंने नहा भी लिया है तो बहुत ज़्यादा सिल्की हो गए बाल, और जब बाल पूरी तरह सूख जाएंगे उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि कितने शाइनी लगे मेरे बाल। तो अभी सबसे पहले मुझे ये करना है कि मुझे अपनी मंदिर की सफाई करनी है क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं और मैं कुछ दिन दो तीन दिन पहले मम्मी के घर थी, फिर यहाँ आ गई, फिर दोबारा दुर्गा पूजा के टाइम फिर दोबारा चली जाऊँगी, तो मंदिर की साफ़ सफ़ाई हो नहीं पाएगी। तो सबसे पहले मैं मंदिर की थोड़ी आस पूरी अच्छे से सफाई करूँगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से मेरा मंदिर का क्या हाल है और किस तरह से सफाई के बाद उसका मंदिर का लुक मैं बदल देती हूँ, ये सब चीज़ें अभी मैं आपको दिखाऊंगी, तो बने रहना मेरे ब्लॉग में। कलश वगैरह जो है, मेरे छोटे छोटे दो कलश है, ये बर्तन है, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें धूल मिट्टी चिपक गया है, तो ये सारा कुछ मैं अच्छे से वॉश करूँगी। ये भी है, ये सब भी साफ़ करना है। तो मंदिर साफ़ सफाई करते ही मुझे आई थिंक 1 घंटा करीब लग जाएगा। फ्रेंड ये है मेरे मंदिर का फाइनल लुक साफ़ सफाई करने के बाद, और नीचे का शेडो मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए। फोरहेड बनवाना है मेरे को, हल्का हल्का जो एक्स्ट्रा बाल है वो निकलवाना है। तो अंश ने बिल्कुल तंग नहीं किया, चुपचाप मेरी गोद में बैठा रहा, वो एकदम तंग नहीं किया। छुट्टी चढ़ी है तो अभी मैं आपसे घर में जाके मिलूँ। फ्रेंड मैं पार्लर से घर आ गई हूँ और देखा आपको दिखाया था अंश भी गया था मेरे साथ, अंश ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, आ जाओ बेटा। और तो फ्रेंड ये वीडियो में ही एंड करती हूँ, आई होप सो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो जो लोग नए हैं चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं मेरी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।